हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू नेफ्स लाइफस्टाइल। और आज मैं आ गई हूँ फ्राइडे की रेसिपी लेके। तो आज की रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल इन टोमेटो ग्रेवी। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट्स, और डोंट वरी, जैसा हमेशा हम देते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर उसमें हमें कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ बताना होता है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा तेल डाल दें। जब तेल आपका थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं ये बारीक कटा हुआ लहसुन। तो सबसे पहले डालेंगे लहसुन, और उसके साथ डालेंगे छोटा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, बेल पेपर, शिमला मिर्च, जो भी आप बोलते हो। तो ये डालने वाला है शिमला मिर्च, और साथ में कटा हुआ प्याज, तो लंबा लंबा काट लिया है। तो बाकी जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें से ये जा रहा है हरी मिर्च। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, जितना स्पाइसी तीखा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से डालिए। जब आपका लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें डालने वाले हैं लाल मिर्च और काली मिर्च। अगेन, आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च और काली मिर्च डालें, जितना टेस्ट अच्छा लगता हो। ये जा रहा है थोड़ा सा सोया सॉस। अगेन, इसकी सारी लिस्ट क्वांटिटी सारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे थोड़ा सा पका लें। फिर ये जा रही है टोमेटो प्यूरी। तो ये गई टोमेटो प्यूरी लाल लाल, वाह जी वाह। ये टोमेटो प्यूरी को आपको बहुत अच्छे से पकाना है, और जब तक ये टोमेटो प्यूरी पकती है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मिले। तो हम इसे आधा ऐसे ढक के टमाटर को पका रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया टमाटर को अच्छे से पकाना है। तो ऐसे नहीं ढकेंगे तो कई बार उछलता है आपका गैस कुकिंग जो भी है, वो गंदा हो सकता है और आपको भी लग सकता है। तो मीडियम हाई में हम इसे पका रहे हैं। अब देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑयल छोड़ दिया है। अब हम डाल रहे हैं सारे वेजिटेबल्स। बस हम जो इसमें कैबेज और थोड़ा सा अनियंस है, वो हम डालेंगे बाद, थोड़ा सा बाद में, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये वेजिटेबल्स अगर ब्लांच हो तो अच्छा होता है। ब्लांच मतलब आप बॉइलिंग वाटर में एक मिनट के लिए डाल के निकाल के ठंडे पानी में डालें, तो वो थोड़ा सा पक सी जाती है, जो बहुत अच्छा रहता है। तो हल्की फुल्की पकना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो ये पड़ गया है स्वाद अनुसार नमक। नमक तो हमेशा स्वाद अनुसार होता है, ये तो आपको पता ही अपने हिसाब से। और ये डाल रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, बट हमने डाली है थोड़ी सी ब्राउन शुगर। और अच्छे से कर लीजिए सब कुछ मिक्स। अब हम इसे ढक के 2-3 मिनट पका लेंगे, ताकि टमाटर और वेजिटेबल्स साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बीच में हमने कैबेज और प्याज भी डाल दी थी, तो वो भी डाल दीजिए। अब डल रहा है पानी। पानी आप डालिए, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। आगे हम कॉर्नफ्लावर का घोल भी डालेंगे, जिससे थोड़ी ग्रेवी थिक होती है, तो उस हिसाब से आप डालें और थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब आप इसे ढक दीजिए और 3-4 मिनट अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अब ये देखिए, हम कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी में घोल के इसमें डालेंगे, और डालते डालते आपको मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है। तो डालते रहिए और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये हमने आपको दिखाया था पिछले रेसिपी, जो सूप की रेसिपी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो विंटर के लिए वो बहुत अच्छी है, जैसे विंटर बस आ ही गया है। तो अच्छे से इसे पका लीजिए, जब तक कॉर्नफ्लावर पकना जाए। तो बस आपको 3-4 मिनट और पकाना है, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, हो गया है वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स इन टोमेटो सूप या ग्रेवी, जो भी आप बोलना चाहें। और ये डाल दिया है ऊपर से थोड़ा सा धनिया, जिससे स्वाद भी बढ़ता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये तैयार हो गया है मिक्स वेजिटेबल इन टोमेटो ग्रेवी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं जैस्मिन राइस के साथ, ब्राउन राइस के साथ, वाइट राइस के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे। तो एंजॉय करिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, वाइट राइस या जैस्मिन राइस के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा।
और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और मुझे फॉलो करें। सारे सोशल मीडिया पे लिंक्स आपको एज यूजुअल नीचे मिल जाएगी। और इसमें जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं वो एक सोया सॉस का कह सकते हैं चटनी टाइप का, उसका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक बाय।